इसमें AB का जो स्लोप होगा that will be equal to BC का स्लोप, right? Not just BC, जब AB का जो स्लोप होगा that is equal to AC का स्लोप, that is equal to BC का स्लोप, right? क्योंकि ये सारे जो है वो सेम ही लाइन के दो पॉइंट्स हैं, तो इस लाइन के किसी भी दो पॉइंट के बीच में स्लोप हमेशा बराबर होगा, है ना? तो स्लोप ऑफ AB हम कैसे निकालेंगे? देखो इनके तो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, जैसे A की कोऑर्डिनेट्स दी हुई है x माइनस वन, B का है 2, 1 और C का है 4, 5, है ना? तो अभी फोकस किस पे करेंगे? सिर्फ AB, इतने पे फोकस करेंगे, तो इतने पे फोकस करेंगे तो x1 y1 हो जाएगा A, B का हो जाएगा x2 y2, तो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब जब BC का निकालना है तो हम सिर्फ BC पे फोकस करेंगे, ठीक है, ये वाले पार्ट पे। तो यहाँ पर एक y x2 y2 हो जाएगा 4 5 और x1 y1 हो जाएगा 2 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 minus 1 that is y2 minus y1 divided by x2 minus x1, ठीक है। अब इसमें क्या है, कुछ करना ही नहीं है, इसमें बस कैलकुलेट करो 2 by 2 minus x is equal to 4 by 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। जब आटे थोड़े बहुत क्वेश्चंस